उत्तर प्रदेश के आगरा के मीना बाजार क्षेत्र के अंदर एक रामकथा इस वक्त आयोजित हो रही है, और रामकथा के अंदर कथावाचक राम भद्राचार्य ने एक कमेंट मुलायम सिंह यादव और मान्यवर श्री कांसीराम जी पर किया था। इस दुनिया में दोनों ही नेता अब रह रही हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने समाज में दोनों ही नेताओं की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज ही नहीं बल्कि देश में भी दोनों नेताओं को बड़े पैमाने पर लोग याद करते हैं। मान्यवर श्री कांसीराम जी को चाहे मुलायम सिंह यादव, दोनों ही नेताओं को बड़ी पैमाने पर लोग याद करते हैं। लेकिन उन पर यहाँ पर कथावाचक करते समय राम भद्राचार्य ने एक कमेंट किया और कहा था कि मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, इस तरीके का नारा आपको बता दें कि उन्होंने वायरल किया था, जिसके बाद काफी ज्यादा आक्रोश है वो लोगों में देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से आज इस मामले में आक्रोश है वो साफ देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस मामले के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से पुलिस में तहरीर दी गई है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और इस मामले में गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक तरफ देश के अंदर मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री और पद्म जैसे जो अवार्ड है उनसे नवाजा जा रहा है, दूसरी तरफ आपको बता दें कि कुछ लोग उनके बारे में इस तरीके के बोल रहे हैं, और एक तरफ मान्यवर श्री कांसीराम जी जो देश के बड़े दलित नेता थे, देश की राजनीति जिन्होंने बदल थी, ऐसे नेताओं के ऊपर इस तरीके की आपत्तिजनक जो टिप्पणी की जा रही है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, यह मांग करते हुए आज तहरीर सौंपी गई है और पुलिस से मांग की गई है कि मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके इस मामले में सजा है वो दिलाई जाए। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज करती है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई रहती है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये साफ है कि राम भद्राचार्य के खिलाफ इस वक्त समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। बहुजन समाज पार्टी की भी इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज की बड़ी खबर यही रही कि आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मामले में पुलिस थाने में तहरीर दी गई है और गिरफ्तार करके जेल भेजने की भी मांग है वो की गई है।